हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है सुबह से लगातार, लेकिन इस चक्कर में ना करंट नहीं रह रहा है। जी हाँ, कभी लाइन आ रहा है कभी जा रहा है, उस चक्कर में कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं। तो अभी जस्ट करंट आया है तो सबसे पहले मैंने ना कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, ताकि लाइन रहते हुए सारे कपड़े मेरे धुल जाए, नहीं तो बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, हल्की सी स्मेल रह जा रही है, और मौसम देख सकते हो बारिश लगातार हो रही है। अच्छा तो काफ़ी लग रहा है, बट कपड़ों को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है। ओके, तो इस बाल्टीन को रखते हैं बाथरूम में। वैसे काम ना भी बहुत सारे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा करूँ कौन सा छोड़ूँ। जैसे आप बेड पे देख सकते हो बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उसे मुझे अच्छे से अरेंज करना है। लेकिन उससे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है। घर के जितने भी काम है ना, वो आप बाद में कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो नाश्ता खाने का टाइम होता है ना, वो एक निश्चित टाइम होना चाहिए, और खाना भी ना टाइमली बन जाए वही अच्छा भी है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारियाँ करने, और उसके बाद जो घर के बाकी काम है ना, वो धीरे धीरे निपटाती जाऊँगी। तो चावल ख़त्म हो गए थे, इन्होंने कल रात में ही चावल ला के रखा है, बट टाइम नहीं मिलने की वजह से ना मैंने इसे डब्बे में नहीं डाला था। तो पहले तो इसे डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, बाहर में अगर ऐसे चावल खुले में रहेंगे ना तो ख़राब होने का डर रहता है। वैसे डब्बे में भी अभी आप डालोगे ना तो थोड़े से बारिश के मौसम में रिस्क रहता है कीड़े लगने का। तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया ना, हल्की सी हल्दी मिला दी है। कहते हैं कि चावल में आप अगर हल्की सी हल्दी मिला के रखो ना तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। क्या होता है ना, दुकान से जब भी हम चावल खरीद के लाते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम से वहाँ रखा हुआ रहता है, चाहे वो पैकेट वाला हो खुला हुआ हो। खुला वाला में ज़्यादा रिस्क रहता है, पैकेट वाले में थोड़ा कम रहता है। तो जब आप घर में भी ला के ऐसे खुले में रखोगे ना तो थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए जब भी बारिश के मौसम में अक्सर डब्बे में डालती हूँ ना, तो थोड़ा सा हल्दी मिला के डाल देती हूँ, तो उससे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, और आप आराम से लंबा स्टोर करके रख सकते हो। और ये सब चीज़ें ऐसी है भी ना कि आप एक बार 3 महीना 6 महीना में एक बार मंगा लो बड़ा वाला बोरा, और उसके बाद आराम से चलाओ। डेली डेली ये सब मंगाने वाली चीज़ है नहीं, तो थोड़ी सी सेफ्टी के साथ रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो फटाफट पहले चलिए चावल लगा देते हैं, क्योंकि पानी मैंने कुकर में बैठाया था ना तो वो बॉयल हो चुका है, तो चावल मैं डाल ही देती हूँ ताकि फटाफट भात है वो बन जाए। और उसके बाद मुझे बनानी है सब्जी। वैसे मैंने सुबह में आलू बैंगन बना के रखी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ना सोचा है कि आज कुछ स्पेशल सब्जी बनाई जाए। बहुत टाइम के बाद मैं ये सब्जी बना रही हूँ एक्चुअली, तो क्या बना रही हूँ वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। तो पहले इसकी तैयारियाँ कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी सब्जी है, लेकिन टेस्टी उतनी ही रहती है, बहुत सिंपल तरीके से बनती है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, बट टेस्टी उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही लाजवाब। तो आज मैं जो स्पेशल सब्जी बनाने वाली हूँ उसे हमारे तरफ डुबकी नाम से बोलते हैं। जी हाँ, डुबकी बहुत ज़्यादा फेमस है ये नाम हमारे यहाँ। ये बनती है उड़द की दाल की। उड़द को पानी में भिंगो कर आप कुछ देर के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लेना है, और उसी से बनती है ये वाली सब्जी। तो मैं किचन में भी काम छोड़कर आ गई हूँ खिड़कियाँ बंद करने, क्योंकि पानी का स्पीड बढ़ गया है और छींटे पड़ते हैं ना तो फिर सारा रूम भींग जाना है। तो जब तेज़ बारिश होती है ना तो खिड़कियों को लगा देती हूँ, ताकि जो छींटे हैं वो घर के अंदर ना आए, नहीं तो वापस मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी साफ़ सफाई में। और इस वाली खिड़की की तरफ ना छींटे नहीं पड़ रहे हैं, तो मैंने इसे खुला ही छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि हवाएँ चल रहे ना, तो ये आम गिर गया था आंगन में, और साथ ही साथ मुझे कड़ी पत्ता चाहिए था डुबकी के लिए, इस वाली सब्जी के लिए, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ। और अब चलिए फटाफट मसालों की तैयारी करते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ मसाला पड़ता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक है नहीं, बस आपको गर्म पानी करना है, उसमें आपको थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्चा कूट के डालना है। अदरक ना भी डालो तो भी चलेगा, लहसुन मिर्चा सिर्फ कूट के डाल सकते हो आप, अदरक उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एंड उसके बाद टमाटर आप जितना उसमें डालोगे ना, इतना ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस उसके बाद आपको टमाटर डाल देना है, लास्ट में हल्दी और नमक। इस सब्जी की खासियत क्या है पता है आप सभी को? ये सब्जी बहुत कम टाइम में बनती है और बिना तेल मसालों के, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं और ना ही आपको मसाले इसमें फ्राई करने, डायरेक्ट ग्रेवी बनती है इसकी। और ये मैंने उड़द पीस के रखा है डुबकी बनाने के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले इसमें तो हल्दी और नमक ऐड करते हैं, और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करते हैं।
तो ये हमारा उड़द दाल का बैटर जो है, मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। और ये रही पानी जिसमें हमने लहसुन मिर्चा टमाटर डाले थे, वो पूरी बॉईल हो चुकी है। ऐसे जब पानी बॉईल हो जाएगी ना, तब आपको जो हमने उड़द पीसा था ना, उसे हाथों की हेल्प से इसमें डिप करना है, बरी की जैसे बनाना है। एंड उसके बाद जो कटोरे में उड़द आपने पीसा है ना, थोड़ा सा उड़द रख लेना है और उसमें हल्का सा पानी डाल के इस ग्रेवी में मिला देना है, ताकि जो ग्रेवी है ना वो बहुत ज़्यादा पतली ना हो, थोड़ी सी हल्की सी मोटी हो, ताकि भात के साथ अगर आप खाओगे ना, चावल के साथ अगर आप खाओगे ना, तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा अगर ग्रेवी पतली रहती है ना तो मज़ा नहीं आता है। एंड उसके बाद ढक के इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप नहीं भी ढको तो भी चलेगा, और अगर ढक रहे हो ना तो आँच एकदम मीडियम रहना चाहिए। और उसके बाद 10-15 मिनट लगते हैं, ये रेडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और लास्ट में इसमें छौंक लगाना है। छौंक लगाने के लिए जैसे आप अदर सब्जी में छौंक लगाते हो ना, सेम प्रोसेस वही है। तेल गर्म करना है, सरसों का तेल, उसमें आप लाल मिर्चा जो गोटा वाला होता है वो डालो, 2-3 जितना आपको डालना है वो डालो। उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए आप डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। एंड उसके बाद जो कड़ी पत्ता और सरसों, वो बस कंप्लीट। और उसके बाद अच्छे से इसमें छौंक लगा देना है, और उसके बाद आपकी डुबकी की सब्जी रेडी है। तो ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी और यमी लग रही है, और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एंड उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ी देर के लिए, बारिश इतनी अच्छी हो रही थी ना, मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि मन कर रहा था बस इसे ऐसे ही देखते रहूं। लेकिन काम बहुत सारे हैं तो ज़्यादा टाइम मैंने गवाया नहीं, वापस से मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। जैसे कि मैंने कहा था ना कि कपड़े पूरे बिखरे पड़े हुए हैं, उसे मुझे अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो बस वापस से मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, तो फटाफट इन सारे कपड़ों को पहले तो फोल्ड करते हैं, उनकी जगह पे उसे अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। और ये जो आप नेट वाले कर्टन देख रहे हो ना वाइट कलर के, इसमें हल्का सा ना दाग लग गया था, पता नहीं कैसे लगा था, क्या लगा था, मुझे भी नहीं पता। बच्चों ने गंदे हाथ से छू दिया था कि क्या, तो वो गंदा लग रहा था। और वाइट चीज़ें में आपको पता है थोड़ा सा भी दाग धब्बा लगता है ना, तो बहुत अच्छे से नज़र आता है, तो इसलिए मैंने इसे भी वॉश कर दिया था। और ये ना एक अच्छी आदत भी है कि अगर आपको घर में, आपको कहीं किसी भी चीज़ में अगर लग रहा है ना कि वो गंदा हो रखा है, चाहे फर्निशिंग की कोई भी चीज़ें हो, बेडशीट हो, कर्टन हो, कुछ भी हो, डाइनिंग कवर, सोफ़ा कवर, कुछ भी कुशन कवर, आपको अगर लग रहा है ना कि थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है, तो उसे उसी वक्त धो दीजिए। ऐसे में क्या होगा ना कि चीज़ें भी साफ़ रहेंगी और आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा दिखेगा। तो चलिए, कपड़े फोल्ड हो गए थे तो फटाफट उन्हें मैंने अरेंज करके रख दिया। और ये कुछ कपड़े थे ना जिसे मैंने आयरन करके रखा था, तो इसे भी वार्डरोब में डाल दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रखे रखे फिर ना ये गंदे तो होने ही है, क्योंकि डस्ट घर में बहुत आता है, आपको ऐसे दिखेगा नहीं, बट जब आप साफ़ सफाई करोगे ना तब समझ में आता है कि घर के अंदर कितना डस्ट आता है। तो अगर कपड़े धुले हुए हैं या फिर आयरन किए हुए हैं ना, तो फटाफट उसे अच्छे से अरेंज करके अंदर रख दो, बहुत ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद खाना तो ऑलमोस्ट बन ही चुका था, तो किचन वाली ड्यूटी लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक बच्चे घर नहीं आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ एक्स्ट्रा काम है वो कम्प्लीट कर लूँ। तो ये लहसुन आप जो देख रहे हो ना, ये हमारी बारी का है, जी हाँ। तो बस निकला था और वहाँ से लेके मैंने डब्बे में डाल दिया था, उसे छाटा उटा नहीं था, टाइम ही नहीं मिला था। तो इसमें ना थोड़ी सी मिट्टी भी लगी हुई है और कुछ ख़राब हो रखे हैं, तो जो मिट्टी लगी हुई है वो भी मुझे हटाना है, और जो कुछ ख़राब है ना उसे भी मुझे हटाना है, क्योंकि जब खाना बनाती हूँ ना तो फिर ये मुझे एक्स्ट्रा काम लगता है, क्योंकि लहसुन अदरक लगभग लगभग सारे खाना में पड़ता ही है। तो फिर जब मुझे लहसुन चाहिए होता है ना, तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि इसे अभी टाइम मिला है तो अलग छाट के रख लूँ, ताकि जब खाना बनाऊँ ना तो प्रॉब्लम ना हो। तो सारे लहसुन को मैंने छाट दिया है, जो अच्छे अच्छे थे ना उन्हें साइड कर दिया है, और जो ख़राब हो रखे हैं ना उसे मैंने किनारे करके रख दिया है। और वापस से ये जो सारे लहसुन हैं ना अच्छे वाले, उनको इनके डब्बे में डाल दूँगी। वैसे तो इन लहसुन का मुझे छिलका भी उतारना था, लेकिन अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है, क्योंकि कुछ ही देर में युग आ जाना है, उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा बिजी हो जाने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए इसे रखते हैं, फिर बीच में भी थोड़ा बहुत टाइम मिला ना तो ये काम कंप्लीट कर लूँगी। और वैसे भी लहसुन को कहते हैं ना कि पानी में अगर डाल के छोड़ दो ना, तो जो छिलके हैं वो तुरंत निकल जाते हैं। तो आज मैं वही वाला तरीका अपनाने वाली हूँ, कभी मैंने वो तरीका अपनाया नहीं है, बट काफ़ी सुना है मैंने कि ऐसे करने से लहसुन के छिलके बड़े ईजिली निकल जाते हैं। और क्या होता है ना कि किचन में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो सारी तैयारी अगर आपने पहले करके रखी हो ना, तो किचन में काम बड़े जल्दी होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब गए और कब निकल गए काम ख़त्म करके। तो वही मैं सोच रही हूँ कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है ना, वो सारा मैं अच्छे से रेडी करके रखूँ किचन में, ताकि जब भी खाना बनाने जाऊँ ना,
कोई प्रॉब्लम ना हो ना टाइम ज़्यादा लगे। और इसी बीच युग भी आ गया था घर और अभी वो जाएगा फ्रेश होने, उसके बाद उसे खाना होना मुझे देना है। तो जब तक वो फ्रेश होता है ना, तो मैंने सोचा जो कपड़े मेरे धुल के रखे हुए ना उन्हें क्यों ना डाल दूँ बालकनी में। वैसे भी मौसम अभी आप देख सकते हो चेंज हो गया है, अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी आप देख सकते हो धूप निकल आया है। तो थोड़ी देर कम से कम ऐसे ही मौसम रहे ताकि जो कपड़े मेरे हैं ना वो प्रॉपर सूख जाए। कपड़े पे डालने के बाद ना युग भी फ्रेश होके आ गया था, तो मैंने उसे लगा दिया था खाना, साथ ही मैंने भी खा लिया था क्योंकि अचानक से मुझे कहीं निकलना था। तो मैं आ गई हूँ बाहर और ये मैं बैठी हुई ऑटो में, जा रही हूँ अकेले ही, कुछ ज़रूरी काम है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो फटाफट मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो है एवरीवन, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल आते आते घर काफ़ी लेट हो गया था, मतलब मैं घर से निकली थी 2 बजे और घर आते आते ना 6:30 हो गया था। और उसके बाद संध्या पूजा, फिर घर में भी बहुत सारे काम थे। जो दोपहर का खाना हमने खाया था ना, वो सारे बर्तन पड़े हुए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं धो पाऊँ। तो आने के बाद फिर वो सारा कुछ हुआ, फिर बच्चों की स्टडी करानी थी, करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह के हो रहे हैं 7:15, बच्चे जस्ट अभी स्कूल निकले हैं और ये छोड़ के आ गए हैं बच्चों को। उसके बाद हम यहाँ बैठ कर चाय इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी पूरे दिन ना फिर हम दोनों बिजी हो जाने वाले अपने अपने कामों में। तो ये थोड़ा सा जो समय मिलता है साथ में बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती है, तो वापस से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, वो अपने काम में निकल जाते हैं, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो वो ऑलरेडी निकल चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो ये जो हॉल वाला सोफ़ा वाला हिस्सा है ना, यहाँ ऊपर वाली वॉल ना बहुत खाली खाली लगती थी, तो मैंने सोचा ना क्यों ना ये वॉल हैंगर को यहाँ हैंग किया जाए ताकि ये जगह ना थोड़ी सी अच्छी लगे। तो वही मैंने इस वॉल हैंगर को यहाँ हैंग किया है, और वो भी जो वॉल हुक आती है ना अमेजोन में जो मिलती है या फिर अदर ऐप में भी जो मिलती है, वो मैंने लिया था, तो उसी की हेल्प से मैंने यहाँ हुक किया है इसे। और डेकोर करने के बाद ना थोड़ा सा ये एरिया अच्छा लगेगा, इतनी मुझे उम्मीद है, देखते हैं कैसा होता है। पहले तो सोफ़े की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा था, और उसके बाद वापस से इस सोफ़े को थोड़ा सा डेकोर करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो सोफ़े को जब भी डेकोर करने की बात आती है ना, तो थ्रो तो यूज करते ही करते हैं। तो थ्रो को ना मैं इस तरीके से सोफ़े में दे रही हूँ, सिटिंग प्लेस में प्रॉपर नहीं दे रही हूँ क्योंकि देख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे दिन भर इस सोफ़े में बैठते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं वो, तो हालत ख़राब करके रखते हैं और बार बार हिम्मत नहीं होती है कि जाके एक ही चीज़ को ठीक करो। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंगेज होना और एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसलिए मैंने ना इस तरीके से थ्रो को इस सोफ़े में डाला है जिससे देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड बार बार मुझे सिटिंग प्लेस को अच्छे से सरियाना नहीं होगा, अरेंज करना नहीं होगा। और जो वॉल हैंगर था ना, वहाँ मैंने एक आर्टिफिशियल हैंगिंग लीफ और मनी प्लांट जो ओरिजिनल है वो मैंने डाला है। तो अब जाकर ये वाला हिस्सा ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो वॉल थी ना वो बहुत खाली खाली लगती थी, बट अब ना अच्छी लग रही है। और बरसात के दिनों में जो घर सबसे ज़्यादा गंदे करते हैं ना, वो होते हैं जूते चप्पल, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी हुई रहती है जो घर के अंदर आती है, या फिर सीढ़ी वाले हिस्से में, या फिर जो आपका घर घुसने का जो बाहर वाला है इंटर वाला हिस्सा है वो सारे इन्हीं की वजह से गंदे होते हैं। तो इन चप्पल जूतों में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, तो वही मैंने सोचा ना कि उन्हें अच्छे से इसे साफ़ कर दिया जाए जिससे घर भी गंदा कम होगा। वैसे तो मेरे घर में जूते चप्पल अलाव नहीं है, बाहर ही खोल दिए जाते हैं, लेकिन सीढ़ी वाला जो हिस्सा है वो इनकी वजह से गंदा ज़रूर होता है। तो इसलिए जो गंदे जूते चप्पल थे ना, उन्हें मैं लेकर आ गई हूँ बाथरूम में और इन्हें अभी अच्छे से वॉश करती हूँ, और इस वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।